रुक जा खरगोश, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम मेरा इम्तिहान मत लो, मैं तुम्हें खा के रहूँगा। तुम जितना ज़्यादा भागोगे तुम्हें उतना ज़्यादा कष्ट होगा। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो नासा जानवर हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ो, अरे भगवान बचाओ बचाओ। जाने कहाँ गायब हो गया, आज तो लग रहा है मेरा दिन खराब है। मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा है, आज तो दिन ही खराब है। पता नहीं किसका मुंह देख कर उठा था। अरे ये क्या, इतनी मोटी मोटी गायें, इनमें से एक को भी खा लूँ तो मुझे 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी। वाह वाह, कितनी प्यारी गायें हैं। अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे इनको मार कर जल्द से जल्द खाना होगा। अरे बहन भागो, ये बाघ हमें मार के खा जाएगा। अरे नहीं बहन रुको, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हमारे पास तो बड़े बड़े सिंह हैं, हम एक साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें रुकना चाहिए। लोग तुमको मजा चकाते हैं, भागो यहाँ से हमारे पीछे से। मैं एक साथ इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, जब ये लोग अलग अलग रहेंगे तभी मैं इनका शिकार कर पाऊंगा, अन्यथा ये लोग बहुत। इन तीनों गायों में लड़ाई हो जाती है। वो तीनों गायें बहुत जोर से लड़ती हैं और एक दूसरे से अलग होने का मन बना लेती हैं। बाघ भी इसी ताक में बैठा है। एक गैया बाघ को अकेले मिल जाती है, वो उस पर अकेले देखकर टूट पड़ता है और वहीं पे उसी तरह से बाघ तीनों को अकेले अकेले मारकर खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, एकता में बल होता है। इसीलिए हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबको मिलकर एक रहना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।